Are you there, God? It's me, Margaret. इस मूवी में एक 11 वर्षीय मार्गरेट साइमन को उसके माता पिता बारबरा और हर्ब और दादी सिल्विया ने सूचित किया कि तीन लोगों का परिवार न्यूयॉर्क शहर से न्यू जर्सी उपनगर में जा रहा है क्योंकि हर्ब को पदोन्नति मिली है। मार्गरेट अपने दोस्तों और सिल्विया से दूर जाने से परेशान है। वह जल्द ही अपनी चिंताओं और आशाओं के बारे में भगवान से संवाद करना शुरू कर देती है। न्यू जर्सी जाने पर मार्गरेट की उसके पड़ोसी और जल्द ही सहपाठी बनने वाली नैन्सी व्हीलर से दोस्ती हो गई। वह उसका अपने मित्र समूह में स्वागत करती है, जिसमें दो अन्य लड़कियां ग्रेचन पॉटर और जेनी लूमिस भी शामिल हैं। स्कूल वर्ष की शुरुआत में मार्गरेट के शिक्षक श्री बेनेडिक्ट कक्षा को एक साल का शोध कार्य देते हैं। जब उसे पता चला कि मार्गरेट को धार्मिक छुट्टियां पसंद नहीं हैं, तो उसने बताया कि चूंकि उसकी मां ईसाई हैं और उसके पिता यहूदी हैं, इसलिए उसका परिवार छुट्टियां नहीं मनाता है और उसने बड़ी होने के साथ साथ अपनी धार्मिक पहचान के बारे में निर्णय लेने का फैसला मार्गरेट पर छोड़ दिया है। अपने स्कूल असाइनमेंट से प्रेरित होकर मार्गरेट अपनी मां से पूछती है कि वह कभी अपने नाना नानी से क्यों नहीं मिली। बारबरा ने खुलासा किया कि वह अपने कट्टर ईसाई माता पिता पॉल और मैरी से अलग हो गई है, जिन्होंने एक यहूदी व्यक्ति से शादी करने पर उसे अस्वीकार कर दिया था। सप्ताहांत में न्यूयॉर्क शहर की यात्रा पर मार्गरेट सिल्विया से उसे मंदिर ले जाने के लिए कहती है, जिसे सिल्विया खतुशी से करती है। इस बीच बारबरा पीटीए के साथ जुड़ने का प्रयास करती है और कई समितियों के लिए साइन अप करती है, जो उसे पेंटिंग और कला सिखाने के अपने शौक से दूर कर देती है। मार्गरेट और उसके नए दोस्त युवावस्था के मील के पत्थर का अनुमान लगाते हैं, जैसे ब्रा पहनना और अपना पहला चुंबन लेना। सहपाठी नॉर्मन फिशर की जन्मदिन की पार्टी में बोतल घुमाने के खेल के दौरान मार्गरेट अपनी कक्षा के एक लोकप्रिय लड़के फिलिप लेरॉय के साथ अपने पहले चुंबन का आनंद लेती है। वह जेनी और नैन्सी के साथ संबंधित चर्च जनसमूह में भी भाग लेती है। स्कूल में मासिक धर्म के बारे में एक वीडियो देखने के बाद लड़कियां अपने मासिक धर्म शुरू होने को लेकर उत्साहित हो जाती हैं। मार्गरेट तब अधीर हो जाती है जब ग्रेचन और नैन्सी सहित अन्य लड़कियों को उससे पहले मासिक धर्म आता है। एक रात न्यूयॉर्क शहर में नैन्सी और उसके परिवार के साथ बाहर रहने के दौरान मार्गरेट को पता चला कि नैन्सी ने समय से पहले मासिक धर्म आने के बारे में झूठ बोला था, जबकि वास्तव में उसे मासिक धर्म आता था। स्कूल में मार्गरेट को एक सहपाठी लॉरा डैंकर के साथ एक समूह परियोजना सौंपी जाती है, जिसे उसके साथियों नैन्सी सहित द्वारा लंबे और अधिक विकसित होने के कारण बहिष्कृत किया जाता है। लाइब्रेरी में एक साथ काम करते समय मार्गरेट ने लॉरा के बारे में अफवाहें उड़ाईं कि वह लड़कों को उसे महसूस करने दे रही है, जिससे वह परेशान हो गई और उसे बाहर निकाल दिया गया। मार्गरेट नैन्सी के साथ उसकी दोस्ती पर सवाल उठाते हुए उसे शर्मिंदा करने के लिए दोषी महसूस करती है। स्प्रिंग ब्रेक के लिए मार्गरेट फ्लोरिडा में छुट्टियां मनाते समय सिल्विया से मिलने जाना चाहती है, लेकिन ये योजनाएं तब बाधित हो जाती हैं जब पॉल और मैरी बारबरा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि वे मार्गरेट से मिलना और मिलना चाहते हैं। रद्द होने की जानकारी मिलने पर सिल्विया ने पॉल और मैरी की यात्रा के उसी दिन फ्लोरिडा के एक दोस्त के साथ साइमन हाउस में आने का फैसला किया। रात के खाने के बाद जब पॉल और मैरी ने मार्गरेट से संडे स्कूल में जाने के बारे में सवाल किया, तो सिल्विया ने जवाब दिया कि मार्गरेट उसके साथ मंदिर गई थी और उसने पहले ही यहूदी बनने का फैसला कर लिया है, जिससे माता पिता और दादा दादी के बीच बहस छेड़ गई। मार्गरेट वयस्कों पर चिल्लाती है, ये घोषणा करते हुए कि उसे धर्म की परवाह नहीं है और वह भगवान में भी विश्वास नहीं करती है। मार्गरेट अपना शोध पत्र श्री बेनेडिक्ट को सौंपती है, जिसमें वह धर्म के प्रति अपना मोह भंग व्यक्त करती है। जल्द ही वह अपने माता पिता और सिल्विया के साथ मेल मिलाप कर लेती है। स्कूल वर्ष के अंत में मार्गरेट एक अच्छे शिक्षक होने के लिए श्री बेनेडिक्ट को धन्यवाद देती है। वह लॉरा से भी दोस्ती करती है और उसे नृत्य करने के लिए कहती है। कुछ ही समय बाद जेनी भी उनके साथ शामिल हो जाती है। बारबरा, जो तब से पेंटिंग सिखाने के लिए लौट आई है, नैन्सी की माँ जान, पीटीए अध्यक्ष से कहती है कि वह अब पीटीए समितियों के लिए
स्वेच्छा से काम नहीं करेगी। समर कैंप के लिए रवाना होने से पहले मार्गरेट नैन्सी के बड़े भाई इवान के दोस्त मूस फरीड से बात करती है, जो पड़ोस का एक लड़का है जो उसके परिवार के लॉन में घास काटता है और जिस पर मार्गरेट का क्रश है, और जब वह वापस लौटती है तो दोनों एक साथ समय बिताने के लिए सहमत होते हैं। घर पर उसे पता चलता है कि उसका पहला मासिक धर्म आ गया है और वह उत्साहपूर्वक अपनी माँ को बताती है, जो उसके लिए रोमांचित है। मार्गरेट फिर भगवान के साथ अपना संचार फिर से शुरू करती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मूवी की लिंक मिल जाएगी।